आइए हम आपको मिलवाते हैं टॉल, फेयर एंड चार्मिंग युक्ता मुखी से, जो कि बॉलीवुड में अपना जलवा बिखेरने आ रही हैं मेम साहब मूवी से। वेलकम टू लहरे युक्ता। युक्ता, आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि फिल्म प्यासा के बाद युक्ता गुम कहाँ हो गई? प्यासा के बाद एक्चुअली मुझे कई सारे फिल्म ऑफर्स आए, लेकिन उनमें से कुछ काफी कुछ मुझे पसंद नहीं आए, और मुझे लगता है कि हर अभिनेता या अभिनेत्री उसी तरह की फिल्में करना चाहते हैं जिसमें कि ना सिर्फ आपको सेटिस्फेक्शन महसूस हो, लेकिन कोई ऐसा रोल हो जो कि चैलेंजिंग हो आपके लिए। और मीम साहब एक ऐसी फिल्म ऑफर हुई थी 2004 में, हमने इसको शूट करना शुरू किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिल्म को जो है समय लग गया बनने में और अब फिल्म रिलीज हो रही है। तो ये कोई ऐसा प्लान डिसीजन नहीं था कि इतना लंबा सा एक दौरा जो है उसको वेट किया जाए और फिर एक फिल्म करी जाए। ये इतफाक है कि इतना समय लग गया इस फिल्म को बनने में। क्यों लग गया इतना समय, क्या रीजन था? ये इसके कई सारे रीजंस थे। आई थिंक प्राइमरी वजह ये थी कि मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ एक पब्लिक फिगर होने के नाते, कई सारे अपीयरेंसेज होते हैं, एंडोर्समेंट्स होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, काफी सारे सोशल वर्क में भी मैं अपने आप को इन्वॉल्व रखती हूँ, तो डेट्स का एक तो काफी सारी प्रॉब्लम्स आई। उसके अलावा हमारे जो प्रोड्यूसर हैं उनके अपने अलग बिजनेस हैं, तो कुछ उनकी अपनी तरफ से उनके अपने हैंडीकैप्स थे, सिचुएशन कुछ ऐसे बन गई। बाकायदा फिल्म बहुत अच्छी बनी है और लोगों ने फिल्म को बहुत सराहा है, जितनी मेहनत की गई है फिल्म में वो पर्दे पर नजर आ रही है। फिल्म के बारे में कुछ बताइए, क्या खास है इसमें? मेम साहब अंजलि मेम साहब की कहानी है, जो कि 84 के दंगों के दौरान उसकी जो फैमिली है वो बिखर गई, टूट गई, तबाह हो गई, और अंजलि एक सिख परिवार को बिलोंग करती हैं। तो उन्होंने बचपन में अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता को मरते हुए देखा है, और किस तरह से वो फिल्म जब खुलती है आप देखते हैं कि वो खुद नहीं जानती कि किस तरह से वो एक कोठे वाली बन चुकी है, धंधे वाली है, और ये उसकी एक जर्नी है जहाँ पर कि वो अपने अतीत को समझना चाहती है, अपनी उन यादों को मिटाना चाहती है। वो समझती है कि अगर वो अपनी यादों को मिटा देगी तो एक चैन की जिंदगी जी पाएगी, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? क्या बदले की भावना और यादों को मिटाने से क्या वाकई आप शांति पाते हैं जीवन में? अरे मैम बोले तो मैं, साहब बोले तो बहुत है। चलते चलते एक सवाल ये भी बता दीजिए, एक जवाब कि हमने सुना है कोई इटली का राजकुमार आपकी जिंदगी में आ रहा है। ये खबर के बारे में मैं इस वक्त कमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि हम इस वक्त जो है मेम साहब और युक्ता मुखी की इस फिल्म के ऊपर फोकस्ड रख रहे हैं, लेकिन जरूर अगर इस खबर में अगर कोई सच्चाई होगी या इस खबर में अगर कोई डेवलपमेंट होगी तो आपके साथ जरूर शेयर किया जाएगा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। ऑल द बेस्ट।